क्लास डिफरेंस तो है आप ही। नबीर अगर बाइक लेकर आए ना तो हमारी फैमिलीज के सामने मुझे बिठा कर लेकर गए, किसी से छुप कर नहीं लेकर गए थे। आपके उस फाहद की तरह नहीं जो 4 साल तक आपको तो बाइकों पर घुमाया, फिर सडनली ममाज बॉय बनके अपने उस कजन से शादी कर लिया। बात तो सुने, चलो मेरे साथ स्टडी में अकेले में कुछ बात करनी है। मंसूर, वो मैं कह रही थी कि भाभी जान भी यहीं बैठी हुई है तो उनके सामने बात करें ना। हर बात में खवातीन की शमूलियत जरूरी नहीं है। और तुम चलो मेरे साथ, आज तय हो ही जाए कि कौन सही है और कौन गलत, फिर बाद में फैसला करते हैं। चलो चले जान। क्या हो गया भाई, इतनी लंबी कौन सी बातें हैं मामा? बस सीधा सीधा उसे कहे के बाइक को बेचे, और अगर अब यहाँ आ ही गया है तो इज्जतों का ख्याल रखना सीखे। बहस कर रहा होगा मंसूर के साथ, आदत ही कहाँ है उसे किसी बड़े की सुन ले। मम्मा, नबील ने बाबा की आज तक कोई बात टाली है? किसी बात पे कभी बहस की है? वो तो यहाँ पर रहने भी नहीं आना चाहते थे, फिर भी बाबा के कहने पर यहाँ पर आए ना। ओ सना, बस कर दो। वैसे तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? उसके साथ बाइक पर बैठकर तुम चली गई हो? सोचा भी है तुम कैसी लग रही होगी? वो जैसे सीवी पे कपल नहीं आते बाइक पर बैठ के, चीप वो। अच्छा, बाइक पर बैठना चीप होता है? अगर मैं अपने फियांसे अपने कजन के साथ बाइक पर बैठकर चली गई तो मैं चीप हो गई? बिल्कुल, सोचा भी है तुमने? मामा की फ्रेंड्स या मेरी फ्रेंड्स कोई भी देख लेता तो वो क्या सोचता? ये ख्याल आपको उस वक्त क्यों नहीं आया जब आप फहद के साथ रोज बाइकों पर घूमने जाती थी? सना, बड़ी बहन से कैसे बात कर रही हो, तमीज भूल गई है तुम्हें? मामा ऑनेस्टली, अगर आपने सारी बातें आप ही को समझाई होती ना तो आज मुझे कहने की नौबत नहीं आई होती। और बस कर दो, बहुत चलने लगी है तुम्हारी जुबान, बस कर दो। और क्या कंपैरिजन की है तुमने अपनी उस फट्टी चर बाइक का फहद की हैवी बाइक से? हाँ जाती थी, लेकिन क्लास के साथ जाती थी। टीचर बाइक में और हेवी बाइक में बहुत फर्क होता है मेरी जान। क्लास, एग्जैक्टली, क्लास डिफरेंस तो है आप ही। नबीर अगर बाइक लेकर आए ना तो हमारी फैमिलीज के सामने मुझे बिठा कर लेकर गए, किसी से छुप कर नहीं लेकर गए थे। आपके उस फहद की तरह नहीं जो 4 साल तक आपको तो बाइकों पर घुमाया, फिर सडनली ममाज बॉय बनके अपने उस कजन से शादी कर लिया। मैं अपनी बहन को तुम जैसा बनने दूंगी? हरगिज़ नहीं। नास, इन्हें समझाओ ना, मंसूर बात कर रहे हैं ना नबील से। क्या समझाऊं, ये जहर भी आप लोगों का भरा हुआ है कि मेरी बेटियां आपस में लड़ रही हैं। पटियां पढ़ाएं आप और समझाऊं मैं? वाह, छोड़े बड़ी अम्मी, आप कमरे में चले, आ जाए। कोई नहीं जाएगा अपने कमरे में, कोई नहीं जाएगा अपने कमरे में। और तुम इधर आओ, बड़ी अम्मी की चेली। हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ, लोगों को घर से बाहर निकाले अभी के अभी, नहीं तो ये लोग यहाँ रहे हैं। मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी जान, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सही कहते हैं लोग, जिन लोगों की फितरत में थाली में छेद करना हो ना, उन्हें सर पे बैठा लो, बाज नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।